आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कुछ इफ कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अभी जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो मोस्टली क्वेश्चन है, कुछ काम से रिलेटेड है और कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इससे आपका आपकी वर्किंग प्रोफाइल में बेनिफिशियल होगा, अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ भी बेनिफिशियल होता है। सिंपल एंड स्ट्रेट है और कुछ तरीके भी है। तो जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कमीशंस अगर ग्रेटर देन 60 है तो मुझे क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो कमीशन 40 करना है। मतलब कि इसमें अगर मैनुअल किया जाए तो जहाँ जहाँ 60 से ऊपर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, बट जहाँ जहाँ 60 से ऊपर है तो 60 से नीचे है उसको नहीं करना है। तो मैनुअल करोगे उससे अच्छा है कि आप लगाइए यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। इफ का फॉर्मूला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें 40 से, अदरवाइज जीरो करें, या कुछ और देना चाहते हो दे सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, जहां जहां 60 से ऊपर है वहां मल्टीप्लाई करके उसने रिजल्ट दे दिया। अब इसमें नीचे है एंड विदाउट इफ। अब इफ की मदद से आपने इसको इजीली कर लिया, आपने सोचा सर क्या क्वेश्चन पूछा है, इधर आता है मुझे चुटकी कहां चुटकी। अब अगला सवाल जो है वो है कि इसको बगैर इफ को कैसे किया जाए। हम कमीशन निकालना चाहते हैं लेकिन हम इफ फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, कोई आइडिया है? सर एंड लगा देंगे। सर एंड लगाने से कैसे आ जाएगा, हमें तो रिजल्ट नहीं चाहिए। एंड तो ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देगा ना, और एंड क्यों लगाएंगे, मेरे पास एक ही कंडीशन है ना, ग्रेटर देन 60, दो कंडीशन थोड़ी है। एक्सेल की तरह सोचिए, एक्सेल की तरह अपने आप को एक्सेल बनाइए और सारे कंडीशन अप्लाई कीजिए, इसकी तरह सोचिए, ठीक है ना। उस तरह से तुक्का मारने से नहीं होगा। नायर जी आप क्या कहते हैं? नहीं मैं पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, एक पीछे नहीं, आपकी जो सबसे शुरुआती जो इफ की कंडीशन थी उसमें बताया था लॉजिकल ऑपरेटर। हमने बोला था कि जो इफ के अंदर हम जो एक कंडीशंस लगाते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, इंडिविजुअल है, हम इसको इफ के अंदर अपना ज्वाइन करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो यहां क्या करना है आपको कि क्वांटिटी को कंडीशन लगाना है ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, रिजल्ट आएगा 2 एंड फॉल्स। आप स्वाभिक जी बोलेंगे मैंने भी तो एंड बोला था, वो भी तो रिजल्ट 2 एंड फॉल्स देते हैं, आपने कौन सा तीर मार लिया, आपने भी इसी चीज कर लिया। तो एंड जो आपने बताया था एंड लगाएंगे लेकिन एंड की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमें रिजल्ट 2 एंड फॉल्स से मिल गया। अब एक्सेल में होता क्या है, एक्सेल की जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि जो फॉल्स है वो 0 है और जो ट्रू है एंड 1। अब आप कैसे मानेंगे इसको, इसका सर सपोर्टिंग चाहिए ना, किसी ने अगर आपको तो अड़ गया ये कैसे कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट कहीं नंबर होता है, इस तरह की चीज़ें कोई बोल दिया तो आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने में रिजल्ट 1 आया। अब यहाँ 1 आने से ये पता नहीं चल रहा है कि ट्रू 1 है कि फॉल्स 1 है या दोनों आधा आधा है, तो आप ट्रू को 2 बार लिख दें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू, 1 बार लिखें तो आएगा 1। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रू 1 है एंड फॉल्स 0 है, समझा, समझ गए। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है इससे, इससे कोई सॉल्यूशन तो मिला नहीं। तो सॉल्यूशन मिलेगा जब इसको हम ट्रू को लेंगे, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को लेंगे ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी क्वांटिटी से। जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो उसकी क्वांटिटीज आ जाएगा। तो इसमें इफ की तरह क्या किया, इसने क्या बोलते हैं उसको फिल्टर कर दिया, जो आपके ग्रेटर देन 60 वाला है उसको फिल्टर करके शो कर दिया, जो 60 वाला नहीं है उसको यहाँ पे शो कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको जो सर, है मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे या 40 से करेंगे? हाँ 40 से तभी करेंगे जब उसका नंबर्स आएगा, नंबर 40 से हाँ। पहले हम कर देंगे तो ट्रू 1 है, 40 का 40 दिख जाएगा।
तो कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट ये था, सबसे पहले मैंने कंट्रोल जनरेटर सिखाते हैं, कंसेप्ट ये था कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू तो हमारा वन है, तो अगर 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आएगा ना। लेकिन जहाँ पे फॉल्स है, अगर 41 को फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इस तरह से क्या करेक्ट होगा कि जो नंबर्स हैं वो जो ग्रेटर देन 40 है, लेस देन 60 है, वो आपका 0 बन जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो लेस देन 60 नहीं है, ग्रेटर देन 60 है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर और नंबर बन जाएंगे, नंबर दिख जाएंगे। अब 0 आया हमारा, तो 0 में कोई भी मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट 0 ही आएगा। तो क्यों ना इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 40 से और रिजल्ट हमारा 40 ला दें, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब नायर जी इस बात को सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास सीधा नाक छूने का रास्ता है तो हम उल्टा नाक क्यों छुएंगे? नहीं सोच रहे हैं तो सोच लीजिए, सोचने वाली चीज है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इससे आपको लॉजिक्स पता चलता है, आप अपने अंदर इस चीज को डेवलप करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को हर तरीके से सॉल्व कर सकें, समझे? जैसे कि हमारे इंडियन मैकेनिक्स जो जुगाड़ लगा देते हैं ना, जुगाड़ उस टाइप का। और ये सवाल जो मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ अलग तरीका आ गया, मैंने बेस रास्ते से अगर अलग रास्ता का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ अलग तरीका से सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, एक कैपेबिलिटी मुझे पता चलती है इस क्वेश्चन से। और तीसरा रीज़न ये है कि इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था और मेरा दिमाग पूरा झलना गया था उस समय, ये 2006 की बात है, 2006 में मुझसे पूछा गया कि हम इफ नहीं लगाएंगे, हम ये बिल्कुल लगाएंगे। हमने उनसे सवाल पूछा कि इफ क्यों नहीं लगाएंगे, उन्होंने पूछा कि मुझे इस फाइल को कन्वर्ट करना होता है किसी अलग फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में एक्सेल की इनबिल्ड फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करती है लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, समझ गए? मतलब इस फाइल को कहीं और यूज करना चाहते थे किसी अलग सॉफ्टवेयर में, तो जो इफ का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को रीड नहीं करता है लेकिन इसके अंदर जो कैलकुलेशन थी इस कैलकुलेशन को रीड कर लेती थी, इसलिए उनको इस तरह का चाहिए था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है, आप लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये नेम जो है, सॉरी मार्क्स जो है ग्रेटर देन 40 है तो पास या फेल है, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लगाया है वैसे आप यहाँ इफ लगा देंगे। क्या सौमिक जी, यस सर, नायर जी लगा लीजिएगा या लगा के बताऊँ? नायर जी आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं लगा लेंगे या तो आपको चाहिए लगा दीजिए तो। लगा लीजिएगा ना सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ अगर डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 200 है तो स्टडी आई लोकल आई, सेम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये एमआरपी निकालना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में आपके सामने जो कमीशन निकाला मल्टीप्लाई करके, वैसे आप यहाँ भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें थोड़ा सा लोचा है, तो इसमें एक चीज़ एक क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप टाइम को कैसे हैंडल करेंगे। हाँ सर, इसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई थी सर। हाँ इससे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इसको क्या करना होगा, दो तरीका है इसका भी। पहला तरीका है कि आप जो है पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे जाएं और इसे 10 बजे मैनुअली टाइप करें और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं इसका, इफ का, इफ इसको ग्रेटर देन एंड कॉमा यहाँ पे OT अदरवाइज, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका है कि इसका फॉर्मूला लगाएं और इसमें करें कि ग्रेटर देन टाइम फॉर्मूला, टाइम और यहाँ पे 22,00,00। अच्छा ये फॉर्मूला मुझे पता नहीं था सर। दो तरीके बताए ना आपको सर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो सर। इफ ग्रेटर देन टाइम 22,00,00 ब्रैकेट क्लोज
तो यहाँ पे ओ टी अदरवाइज एन टी आया रिजल्ट, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसको मैं बता रखा हूँ। इसको भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस ग्रेड है, ये भी मैंने बता रखा हूँ। ये तो हो जाएगा सर, वो सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाइए एक बार। इसमें एंड लगाना है, क्या करना है सर? एक बार बड़ा करेंगे इसको। एंड लूज करना है, अननेस्टेड। हाँ हाँ, ये पास फेल, ये हो गया था सर। क्वेश्चन नंबर एट आपका, ये सेवन और एट सेम, अगर आपने सेवन कर लिया तो एट भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी है और एट में जो है ये नंबर्स है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, एंड और मिक्स कब यूज करेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर टेन जो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये तब बताऊंगा जब आप नाइन क्वेश्चन तक कर लीजिएगा। ऐसे इसका एग्जांपल समझाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर एट और सेवन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो गया। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ को देखें, ताकि क्योंकि पता तो चले कि आप लोगों ने इफ़ कितना पढ़ा है, उस हिसाब से हम आगे की क्लासेस को डिस्कस करेंगे।